हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस प्री में 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, इमेजिन अ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद द टाइम विद द रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड टी। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2, देन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो, हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि एक लाइट प्लेनेट है जो किसी मैसिव स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, मतलब रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका, और इसका जो रिवॉल्यूशन का रेडियस है वो आर है और जो टाइम पीरियड है वो है टी। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है आर की पावर -5/2 पर। जनरली आपको पता होगा कि जो फोर्स होता है वो 1/r² पर डिपेंड करता है या फिर आर की पावर -2 पर डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर की पावर -5/2 पर। हमें ये पता करना है कि जो यहाँ पर टाइम पीरियड है वो कैसे डिपेंड करेगा। इन जनरल अगर मैं कहूँ, जब फोर्स r² पर यूनिवर्सल डिपेंड करती है तो टाइम का स्क्वायर तब डायरेक्टली डिपेंड करता है आर की क्यूब पर। तो हमें तो जब फोर्स आर की पावर -5/2 है ये फाइंड करना है कि टाइम का स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा। तो देखो, मैं मान लेता हूँ जो फोर्स है यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा रहा हूँ, आर की पावर -5/2 पर डिपेंड कर रही है, क्या ग्रेविटेशन फोर्स जो इन दोनों के बीच में लग रही है। अब क्योंकि पार्टिकल या जो स्टार है ये इसके चारों तरफ जब रिवॉल्व करेगा तो इस पर सेंटर की तरफ एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी और उस ग्रेविटेशन फोर्स को जो बैलेंस करेगा वो कौन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि उसका फॉर्मूला कितना होता है, एम ओमेगा का स्क्वायर इनटू में जो भी रेडियस है। और आपको पता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 2π/T के बराबर होगा, तो मैं ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में यहाँ पर पुट करूंगा तो एफ सी जो होगा वो कितना आ जाएगा, एम ओमेगा की जगह पर आएगा 2π/T का स्क्वायर इनटू में आर। अब क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर होंगी तभी ये दोनों, मतलब ये पार्टिकल इस पर रिवॉल्व कर रहा है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख दूंगा, जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है और जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसको बराबर पुट कर दीजिए। हमें बस ये देखना है कि जो टाइम पीरियड है और जो आर है उनके बीच में क्या रिलेशन है, बाकी सबको हम कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। तो देखो, एफ सी कितना है, एम यहाँ पर 2π का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी तो स्क्वायर होगा, टी इंटू में आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ जी कितना है, के आर की पावर -k/5/2। ठीक है, आप टाइम स्क्वायर को यहाँ पर ले आओ इस तरफ और आर को नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये हो जाएगा 2π का स्क्वायर एम अपॉन में, देखो ये आर तो एज इट इज है, इसको आर एज इट इज रखो, और अपॉन में ये जो आर इधर से आ रहा है नीचे आकर के कितना हो जाएगा, आर की पावर -k/5/2, और ये टी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टी स्क्वायर इक्वल टू 2π का स्क्वायर एम। अब देखो ये पावर जो है -k/5/2 है ये ऊपर जाएगी, इसके साथ इस पर पावर 1 है तो 1, और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 5/2। एक्चुअली ये जब ऊपर जाएगी तो इसको आप लिख सकते हो इंटू में आर की पावर 5/2, और क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आर की पावर 1 और इसकी पावर +5/2। ठीक है, और बस यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आएगा, तो हमें तो ये देखना है टी स्क्वायर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2π का स्क्वायर इंटू में एम होल स्क्वायर है, आर की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगी 7/2। तो देखो, हमें कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं है, टी स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा, आर की पावर 7/2 पर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ऑप्शन हमारा सी सही होगा। जब फोर्स आर की पावर -5/2 पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो जो टाइम का स्क्वायर है वो आर की पावर 7/2 पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूं। देखो, आपको कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है टी स्क्वायर जो होता है वो आर की क्यूब पर डिपेंड करता है, लेकिन ये तब होता है ना जब फोर्स इनवर्सली डिपेंड कर रहा है 1/r² पर। ठीक है, अब ये देखो, जैसे यहाँ पर फोर्स आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है तो टाइम स्क्वायर जो है वो एक ज्यादा पावर होगी, मतलब 2+1 कह सकते हैं हम, 3 को 2+1 कह सकते हैं ना। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं, मान लो जब कभी भी फोर्स आपका इनवर्सली डिपेंड कर रहा होगा आर की पावर एन पर, ध्यान रहे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा होगा आर की पावर एन पर, तो उस समय में जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर की पावर एन +1 पर। ठीक
ठीक है, तो इस कंसेप्ट को अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ताकि हमारा इतना टाइम बच जाए जो मैंने यहाँ पर करके दिखाया था। तो टी स्क्वायर आर की पावर एन प्लस वन पर डिपेंड करेगा जब फोर्स वन अपॉन आर की पावर एन पर डिपेंड कर रहा हो। हमारे इस क्वेश्चन में फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा था आर की पावर -5/2 पर, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि फोर्स इनवर्सली डिपेंड करेगा आर की पावर 5/2 पर। तो यहाँ पर हमारा जो एन हो गया वो कितना हो गया, 5/2। तो जो टाइम का स्क्वायर है वो किस पर डिपेंड करेगा, आर की पावर 5/2+1, यानी कि टी स्क्वायर किस पर डिपेंड करेगा, आर की पावर 7/2 पर। तो देखो ये और भी आसान हो गया, अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना फोर्स अगर आर की पावर एन पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है तो टी का स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करेगा आर की पावर एन प्लस वन पर।